तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कमाल की शॉर्टकट की, जिसकी हेल्प से हम जितने मर्जी उतने रोज ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के अंदर, और इसके लिए हमें किसी ऑप्शन वगैरह को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैं 100 से ज्यादा वीडियोज बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो शॉर्टकट से टेबल में रो क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करनी होगी। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, ये देखिए ऊपर इंसर्ट का ऑप्शन ऊपर के रिबन में आपको दिख रहा है, ये रहा इंसर्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। और नीचे देखिए ये टेबल का ऑप्शन है, इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और एक टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने 4x4 की ये टेबल ये सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। ये देखिए 4x4 की टेबल सेलेक्ट कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि दो दो रो की जो सेट है वो और इंक्रीज हो जाए, तो मुझे दो रो बीच में से सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मुझे अपने कर्सर यहां रखना है, ठीक है, और इसको पकड़ के बस नीचे खींच देना है। बहुत सिंपल है, बस देखा आपने, जैसे ही मैंने बीच नीचे खींचा तो दो रो एक्स्ट्रा ऐड हो गई। अब मैं चाहता हूं कि तीन तीन का सेट हो। चलिए मान लीजिए मैं तीन तीन का सेट ले लेता हूं। ठीक है, ये देखिए तीन रो मैंने सेलेक्ट कर ली। अब इसको पकड़ के मैं जब नीचे खींचूंगा तो देखिए तीन के रो सेट में ये ऐड हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप रोज ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के अंदर, और आई बिलीव कि इससे ज्यादा आसान शॉर्टकट की आपने शायद नहीं देखी हो।